राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स घोटाले को मीडिया ट्रायल बताया है। आपको बता दें कि मुखर्जी ने ये बातें अपने स्वीडन दौरे से पहले एक स्वीडिश अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स मामले के बाद में रक्षा मंत्री बना था और सभी जनरल ने कहा था कि भारतीय सेना के पास मौजूद यह तोप सबसे बढ़िया है। आज भी सेना इसी तोप का इस्तेमाल करती है। मुखर्जी ने कहा कि इस मामले में अभी भी यह तय होना है कि यह घोटाला था। किसी भी भारतीय अदालत ने ऐसा नहीं कहा। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि जिस तथाकथित घोटाले की आप बात कर रहे हैं वह मीडिया में था। गौरतलब है कि साल 1986 में भारत और स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स के बीच 285 मिलियन डॉलर का 155 मिलीमीटर तोप का सौदा हुआ था। स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स ने भारत के आला नेताओं और रक्षा अधिकारियों को सौदे के लिए रिश्वत दी थी। इस सौदे के दौरान मुल्क में राजीव गांधी की सरकार थी और उसे 3 साल बाद आम चुनावों में भारी हार झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।